हाय फ्रेंड्स, मनी बेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज एंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। और देख सकते हो कि 130 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है एनएससी में, और साथ ही साथ आपका 1% के ऊपर, आपका 1.38% के ऊपर आपका पॉजिटिव टर्न दिया है। किस लिए मैं वीडियो बना के अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ब्रेकआउट के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग बनता हुआ दिख रहा है। 137 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 137.80 में करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ने आपका ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट दिया है कौन सा लेवल का, आप अगर देखोगे तो देख सकते हो कि इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। जो पिछला हाई बनाया था वो है 136 का, 136 का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और ये आपका सपोर्ट बन चुका है। तो अभी टाटा स्टील में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 136 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 137.80। तो इस हिसाब से कमोडिटी सेक्टर में अभी जिस हिसाब से आपका इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, और ये देख सकते हो ये यू शेप रिकवरी नहीं है, ये वी शेप रिकवरी है। और वी शेप रिकवरी में जो इसका हाइट, जो डेप्थ है वो यहाँ ऊपर प्लेस करो, वो उसका टारगेट निकल के आएगा। जो लगभग मेरे ख्याल से इसका टारगेट अगर देखा जाए तो 152 प्लस आ रहा है। तो 152 प्लस टारगेट आपका बन रहा है, जो मेरे ख्याल से 20 जैन तक देखने को मिल सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि कमोडिटी सेक्टर बहुत दिनों से दौरा नहीं है और अभी हाल फिलहाल में अच्छा खासा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया हुआ है। तो 152 का टारगेट 20 जैन, तो आपके पास अभी 25 डेज, मतलब एक महीने के आसपास आपके पास टाइम है। आप करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल बाई कर सकते हो, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके। अभी 136 का सपोर्ट है। अभी आप बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, तो 136 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और 152 20 जैन 2024 के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट है मेरे तरफ से। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी का चैनल है मनी मेकर 2307, और सबसे बड़ी बात है कि इसी हिसाब से कंपनी कामकाज करता है, स्टॉक मार्केट भी कामकाज करता है। जैसे चार्ट में आपका वी शेप रिकवरी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से आज ब्रेकआउट दिया है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट 136.65 पे ट्रेड कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आज क्लोज दे देता है तो मुझे लगता है कि क्लोज दे देगा, तो कल आपको 140 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो कल भी एक अच्छा खासा डे वन का टारगेट 140 प्लस रह सकता है, और 152 का टारगेट जैसा मैंने बोला था वो आपका 20 जैन के अंदर आपको हिट होता हुआ दिखेगा। तो कमोडिटी सेक्टर एक बार जब भागता है तो बहुत ज़्यादा आपका रिटर्न प्रॉफिट बना के देता है दूसरे सेक्टर से, तो ये आपको नज़र में रखना चाहिए। और जिस हिसाब से कमोडिटी सेक्टर में एक बुल रन शुरू हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको 152 कोई बड़ी टारगेट नहीं है। और एक मतलब चार्ट वाइज टारगेट बता के जा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई हाइपोथेटिकल टारगेट नहीं है, ये एक लॉजिकल टारगेट है। और ऊपर से चार्ट ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको और भी देखने को कम टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए यह सब वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आप ही का चैनल है मनी मेकर 2307। थैंक्स।